Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. चलिए मेरे साथ चलते हैं जी मार्केट यहाँ पे मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की और साथ साथ आपको मार्केट दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग आज भी मैंने कराया है उबर ऑटो और चलते हैं जी मार्केट जहाँ मुझे जाना है टाइम इस वक्त तकरीबन हो गया है डेढ़ बजे का और धूप अच्छी तरीके से निकल आई है और आज मौसम अच्छा है और इस सर्दियों की धूप में ज़रा शॉपिंग करने का मज़ा आता है तो इसलिए जब भी मुझे शॉपिंग करनी होती है बाज़ार में या किसी मार्केट में तो मैं इसी टाइम पे निकलती हूँ ताकि धूप भी हो और दुकानें भी खुल चुकी होती हैं इस टाइम पे तो मौसम बहुत अच्छा है और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या है ये जहाँ पर हम उतरे हैं यहाँ सामने ही कपड़ों की दुकानें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट होते हैं अनस्टिच कपड़ों के तो अक्सर ही हम लोग इधर ही आते हैं तो आज भी मैं इधर ही आई हूँ बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रिंट हैं बहुत प्यारे प्यारे और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है ये जो शॉप है यहाँ केसरिया के ब्रांड की ना सारी कॉपीज़ जो है ना वो अवेलेबल हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट हैं अगर कॉपीज़ किसी ने लेनी है ना सेम ब्रांड की तो इस शॉप पे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मज़े की अच्छी हैं ये पर्पल कलर का जो सूट है ये बहुत प्यारा है और ये भी कैसरिया की कॉपी है लेकिन ओरिजिनल ही लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा है और कलर भी इसका बहुत प्यारा है कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है अभी मैंने उस शॉप से भी कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं पता क्या पहले मैं सारा घूमूंगी और अपनी पसंद का जो देखूंगी उसके बाद आके मैं कुछ लूंगी कुछ चार दुकानें घूम के उसके बाद देखूंगी कि सबसे अच्छा कौन सा है प्राइस कहाँ पे सही है ये नेक्स्ट शॉप पे एक प्रिंट पसंद आया है ये एक डार्क ब्लू में है और इसके अंदर भी कढ़ाई हुई हुई है ये भी बहुत प्यारा है और एक ब्लैक में भी है इसका कलर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसके अंदर ये धागे से कढ़ाई सी अंदर बुनी हुई है जैसे तो ये वो है और अच्छी कढ़ाई है मेरा ख़्याल है ये ख़राब नहीं होगी तो मुझे ये पसंद आया ये अच्छा है और इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है आगे आई हूँ तो ये लेसिस वगैरह दुकानें हैं और बड़ी तरह तरह की लेसिस हैं बड़ी अच्छी अच्छी हैं लेकिन अभी मैं ये नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैंने कपड़े तो कोई लिया ही नहीं पहले मैं कपड़ा लूँगी उसके बाद ही लेस मैच करूँगी ना उसके ऊपर तो चलते हैं जी आगे और जैसे ही कुछ आगे आई ना तो ये शॉप मुझे देख के मैं हैरान हो गई क्योंकि ऊपर ना कुछ इनके पास बैग थे छोटे छोटे से कलरफुल से ग्रीन है ब्लू है और ये देखिए इस तरफ ये दुकान है जी टॉयज की तो मैंने कहा चले मैं टॉयज देखती हूँ और जब मैंने टॉयज देखी तो ये तो नजर आ गए मुझे डाइनो यहाँ पे मुझे नोने और कोके दोनों के लिए टॉयज नज़र आ गए हैं मुझे गाड़ियाँ भी नज़र आई हैं क्रेन टाइप और मुझे ना यहाँ पे नज़र आ गए हैं डाइनो भी अब मैं वो क्योंकि आउट ऑफ कंट्री होते हैं जब भी वो आएंगे तो उनको मैं ये यहीं से शॉप से ना ये डाइनो और ये गाड़ियाँ लेके दूंगी इनशाला अब जो कपड़ा मैंने लेना था वो तो मैंने ले लिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी लेकिन अब आगे आ गई है लेस की दुकान यहाँ पे लेसेस बहुत अच्छी हैं और रेट भी इसके अच्छे हैं तो चलें देखते हैं कि यहाँ पे कौन से मैच करती हैं मेरे कपड़ों के साथ जो मैंने खरीदे हैं यहाँ पे मैंने मैच कर ली हैं ले भी और उसके बाद ये साथ ही थी जी ज्वेलरी की दुकान और ज्वेलरी की दुकान में बड़ी वैरायटी थी ज्वेलरी की बहुत ही खूबसूरत क्योंकि आजकल शादियों का भी सीज़न है तो आगे दो शादियाँ भी आ रही हैं तो मैंने कहा चलिए ज्वेलरी भी देख लेती हूँ बाकी शॉपिंग करने से पहले और मार्केट घूमने से पहले मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं और मेरे साथ जो बेटियाँ भी गई हुई थी उन्होंने कहा कुछ खाते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी वो सामने एक स्टॉल लगा हुआ है उसको देखते हैं इस पर लिखा हुआ था उस पे पर खाना सिर्फ़ पचास रुपये में और पाई भी दस्तियाब है मैंने कहा चल के इसको देखते हैं जब हम स्टॉल पे गए तो वहाँ एक खातून थी रोटियाँ पका रही थी उसी स्टॉल पे और सिलेंडर के साथ बड़ी अच्छी पतली पतली सी रोटियाँ थीं और मैंने फिर पूछा मैंने कहा अपने पचास रुपए में ये खाना क्या है इसमें ना तो उसमें ना उन्होंने साग भी था उनके पास और पाए भी थे तो मैंने बड़ी मैं बड़ी हैरान हुई कि पचास रुपये में खाना कैसे हो सकता है बहरहाल हम लोगों ने उनको कहा कि अपना ज़रा साग तो चेक कराएं साग लिया फिर उनकी गर्मा गर्म जो रोटी थी वो मैंने ली वो पतली सी बड़ी अच्छी सी रोटी थी और घर की रोटी की तरह थी वो ली हम लोगों ने और दो रोटियां लेके ना हमने ले कहा साग का टेस्ट करते हैं साग और रोटी लेके ना हमें बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही थी पीछे उसकी बैक पे एक ग्राउंड सी थी जैसे घास भी नहीं था लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं थी दूर एक बेंच था फिर हम लोग बेंच तक पहुँचे हैं अब जब गाने के बाद हम लोग आए हैं जी इधर एक बैग की दुकान है और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है यहाँ बैग्स की छोटे बड़े टोट बैग हैं छोटे छोटे पाउच हैं हर किस्म की वैरायटी है लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है जो मेरे साथ बेटियाँ थी तो इस सामने ये पोनी शोनियों की दुकान नज़र आ गई थी तो उन्होंने कहा कि चले इधर भी खड़े होकर हमने पोनियाँ लेनी है कुछ पीने लेनी है मैंने कहा चले अपनी मर्ज़ी की ले लो जो लेनी है और मुझे भी अच्छे लग रहे थे ये क्लिप हैं और ये अच्छे अच्छे कलर में थे और ये बू वाली पोनियाँ हैं जो आजकल चल रही हैं ये भी अच्छी थी कलरफुल थी बहुत अच्छी लग रही थी फिर हम आगे दूसरी साइड पे जहाँ पे एक मार्केट एक साइड से ख़त्म हो गई अब दूसरी साइड पे आ रहे हैं और उस तरफ देखते हैं कि उस तरफ क्या है बस ये एक आगे डेकोरेशन वाली दुकान थी मुख्तलिफ़ डेकोरेशंस थी जिसमें और जो आम तौर होती हैं हर जगह पे कोई खास चीज़ नज़र नहीं आई मुझे यहाँ पे लेकिन ये एक बटरफ्लाई की ये थी बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी जैसे ओरिजिनल को स्टफ़ करके लगा दिया गया है ये थी थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे उसके आगे थोड़ा सा ये एक है जैसे अलादीन का चिराग होता है गोल्डन कलर में मुझे बहुत पसंद आया और मैं ये दिखाती हूँ आपको क्रॉकरी की शॉप आ गई है और क्रॉकरी में भी बहुत सारे जैसे बॉक्सेस हैं ये बहुत अच्छे बहुत सारे कलर्स में हैं तो यहाँ से भी देखते हैं फिर कुछ ले लेते हैं ये शॉल वाली एक दुकान है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी शॉल्स हैं वूल वाली जो बहुत ही अच्छी और ये डिफरेंट कलर में थी और मुझे बड़ी पसंद आई है ये शॉल और काफ़ी गर्म भी है और ये मैंने ले लिया है और अच्छी लग रही है मुझे एक और शॉल भी यहाँ पर मुझे पसंद आई है ये लाइनों वाली लेकिन भाई जो है ना ये प्राइस ही नहीं कम कर रहे एक तो मैंने ले ली लेकिन ये फिर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसके प्राइस ही वो एक पैसा नहीं कम कर रही इसका जब भी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं ना तो कुछ शॉपिंग करने के बाद अगर टाइम ज़्यादा कुछ हो जाए ना तो मुझे तो भूख लगती है और फिर सबको ही लगती है मेरे ख्याल से फिर थोड़ा थोड़ा खा खा के तो फिर थोड़ा शॉपिंग करते हैं जिस तरह हमें लगी पहले भी लिया हमने पानी शुक्र है हम अपना घर से लेकर आए हुए थे तो सामने नज़र आ गई जी मोमोज तो वो कहते हैं कि चलो मोमोज लेते हैं यहाँ से खाते हैं जी मोमोज और कुछ दो दो बच्चे मेरे घर में थे हम लोगों ने तो यहाँ से खा पी लिया था फिर उनके लिए भी मैंने बर्गर वगैरह बनवाए हैं और फ्राइज भी बनवाए हैं मैंने कहा चले बच्चे इंतजार कर रहे होंगे फिर चलते हैं घर ये निकलते निकलते मुझे एक शॉप नजर आई है सामने से ये देखिए इतना खूबसूरत इसके ऊपर काम है मोती हैं बारीक बारीक से अल्लाह हाफिजी और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी दुआ में याद रखिएगा